तो गाइस यार, जब से हमने कार कलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाई है तभी से आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे कि भाई यार आपके पास इतनी सारी गाड़ियां, उनके अंदर से जो बोलेरो कैंपर है वो भी 4x4 है और जो फॉर्च्यूनर है वो भी 4x4 है, तो क्यों ना दोनों का टॉर्च एंड टेस्ट करा दिया जाए, यानी कि ठग ऑफ वार। गाइस यार, कराने को तो इस चीज़ को करा देंगे, लेकिन आपको पता है कि जो दोनों गाड़ियां हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो जब दो शेर आपस में भिड़ेंगे तो टूट फूट तो होगी, तो हो सकता है कि कैंपर के अंदर नुकसान हो सकता है कि फॉर्च्यूनर के अंदर नुकसान हो, दोनों के अंदर ही अगर नुकसान होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे, बस इतना मांग रहे कि इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं सिर्फ 5 लाख लाइक्स, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, और हम फटाफट से करते हैं यार, आप लोगों की ख्वाहिश है, तो मोटे आ जा, जल्दी आ जा। पोजीशन लेते हैं वहां पे, एक इधर से एक उधर से, ठीक है। जो कैंपर है उसके पीछे रस्सा बांधने के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े मोटे रस्से का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही गाड़ियाँ पावरफुल है बहुत ज़्यादा, तो मोटा रस्सा होना ज़रूरी है। इस तरीके से हमने इसके अंदर फंसा दिया है इसे, थोड़ा सा नर्वस हूँ गाइस, क्योंकि इसका हुक टूटा तो भी दिक्कत है, क्योंकि मेन चेचिस के अंदर बंधा हुआ है लांदे, और इसका जो है ये भी मेन चेचिस के अंदर है, देखो यहाँ से बांध रहे हैं, यहाँ से देखो, बस मोटे बस। चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनने कर रखा है लव यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट से लाल कलर के बटन को दबा दो, और उसके बाद में उस घंटी बटन को भी दबा दो फटाफट से, और हम फटाफट से इस टग ऑफ वॉर को शुरू करते हैं, मज़ा आने वाला है बहुत। तो गाइस यार, इसके नीचे थोड़ी सी जगह नहीं मिल रही है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी जगह बांध दे ताकि मजबूती से, तो ये जब तक बांधते हैं तब तक मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, आ जाओ। तो गाइस यार, ये है वो कमाल की चीज़। अब गाइस यार, आपको तो पता ही है कि हम कितनी ज़्यादा धूप के अंदर, कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे के अंदर जो है स्किन की वाट लग जाती है, तो स्किन ख़राब ना हो साथ ही साथ स्किन वैसी की वैसी बनी रहे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं इस कमाल की चीज़ का। तो गाइस यार, ये है मुजटेक का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल, और इसके अंदर होता है हल्दी और एलोवेरा। अब आपको पता है कि हल्दी जो है नेचुरल चीज़ है और स्किन के अंदर जाके अंदर से उसे ब्राइट बनाती है, और जो एलोवेरा है वो कील मुहासों से, यानी कि वो जो पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, उससे अपनी स्किन को बचाती है। और ये है ओशियन फेस वॉश, ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो गाइस यार, ये जो कॉम्बो है इसका इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, तो जैसे ही अपने को चेहरा वगैरह धोना होता है तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी ये जो स्किन लाइटनिंग ऑयल है इसकी 2 बूंद लेते हैं कुछ इस तरीके से, 3 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में अपन इसे इस तरीके से अपने चेहरे पे अच्छे से मसलते हैं ताकि जो ऑयल है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, ठीक है। और फिर हमें 10 मिनट तक वेट करना होता है ताकि ऑयल और भी ज़्यादा अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। और जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं फिर बारी आती है इसकी ओशियन फेस वॉश की, तो उसके बाद में हमें सिंपली ओशियन फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को धो लेना होता है। अभी देखो गाइस, रिजल्ट आपके सामने है। तो गाइस यार, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा ये स्किन के अंदर जाके अपना काम दिखाता है और स्किन को निखारता है। तो गाइस यार, अभी जो है मुजटेक के हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल और फेस वॉश कॉम्बो की अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाइए और फटाफट से इसे परचेज कीजिए और यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद में देखना आपको खुद को फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो चलो अब करते हैं अपनी वीडियो की शुरू। तो गाइस यार, सारी तैयारी अब हो चुकी है, तो बीच के अंदर एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, पाड़ा, कबड्डी वाला पाड़ा, तो ये हमने बना दिया है,
और आइडिया ये है कि पहले अपन क्या करेंगे, 2x2 के अंदर दोनों गाड़ियाँ 4x4 है तो पहले 2x2 के अंदर टेस्ट करेंगे और उसके बाद में 4x4 के अंदर। मोटे चला, तू कौन सी चलाएगा? ये चलाएगा, मेरे को इस पे ज्यादा विश्वास है। धोखा दे दिया मेरे को। ठीक है गाइस, देखते तो चला जाना, क्या दिक्कत है, उधर चला जा। हाँ ठीक है, देख यार 2x2 के अंदर तो दोनों गाड़ियां जो हैं एक जगह पे जम गई है। आप देख सकते हैं कि 2x2 के अंदर ज्यादा पता नहीं पड़ रहा है और अब 4x4 के अंदर ट्राई करते हैं। 2x2 के अंदर तो देखो दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक जगह पे जमा हो गई है, ना ये गई ना वो गई, वो ज्यादा वेट की अंदर है, इसके टायर ज्यादा घूमे। वेट कम है ना पीछे, वेट कम है इसलिए। चलो 4x4 के अंदर ट्राई करते हैं, ठीक है। इसे भी 4x4 कर लेते हैं, कर ले भाई, तेरी को 4x4 कर ले। 4x4 के अंदर इसके भी चारों टायर काम करेंगे, उसके भी चारों टायर काम करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, 4x4 के अंदर ऐसे आ गए? तो गाइस यार ये 4x4 की ताकत, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। आगे ले ऐसा लग रहा था बच्चे को उंगली पकड़ के खींच रहे। एक बार और कर ले ट्राई जाते जाते, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, इस बार है ना मैं कोशिश करूंगा कि तुम जीत जाओ, ठीक है। इस बार आप ही वाली चलाओ ना। हाँ ऐसा कर लेते हैं, जीत जाएगी, ठीक है। पीछे लेते हैं ना, ठीक है, मैं ये चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। बस ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, इस बार देखते हैं कौन जीतता है। ड्राइवर चेंज हुए हैं, बस गाड़ियां वही है, ठीक है, सेटिंग्स भी वही हैं। बोलो बंद हो गई। तो गाइस यार ये दबके बंद हो गए, कहाँ खींच के ले जा रहा है, मोटा चीटिंग कर रहा है, मोटा चीटिंग कर रहा है। ये गाड़ी दबके बंद हो गई थी लेकिन उसे कौन समझाए भाई कि ये बंद हो गई है, ये तो घसीट के जा रहा है। तो भाई यार वास्तव में फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है, बाकी ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मतलब कि यार फ़र्क तो पड़ेगा ना यार, कहाँ ये 11 लाख का वो 45 लाख। तो इस रेस के अंदर तो ये जीत गया है, घोड़ा अपना जीत गया है, बाकी इसने भी दम नहीं तोड़ा भाई, पूरा दम लगा दिया। उसका 4x4 है ना जो लो मोड है वो सच में पावरफुल है। तो गाइस यार आई होप देख लिया, ये था रिजल्ट, और मुझे डर था कि वो हार ना जाए, लेकिन हारा तो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ गाड़ियों में, क्योंकि दोनों की जो चेचिस है वही देखो इसमें पत्ते लगे हुए हैं। जो बुलेरो आती है ना नॉर्मल बुलेरो, उसके अंदर शॉकर्स होते हैं, इसके अंदर पत्ते लगे हुए हैं, और उसकी जो चेचिस है ना वो भी ट्रक बॉडी है, वाली बॉडी नहीं होती इसके अंदर जो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आती है, इसके अंदर ट्रक बॉडी है, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। बाकी आज के लिए वैसे तय, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
तो गाइस यार एक और चीज़, गाइस यार मैं खुद पर्सनली मुजटेक के प्रोडक्ट्स को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, यकीनन मुझे अपनी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। तो गाइस यार आप भी इसे ट्राई कीजिए और यकीनन आपको भी आपकी स्किन के अंदर फ़र्क महसूस ज़रूर होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से परचेज़ करो और यूज़ करो।